सरायपाली विधानसभा के कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार की घोषणाओं को बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरदीप सिंह रैना ने कहा, भूपेश बघेल की सरकार किसान और गरीबों की हितैषी है। सरायपाली विधानसभा से एक गरीब मजदूर परिवार की बेटी चातुरी नंद को प्रत्याशी बनाया। किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही गैस सिलेंडर में भारी छूट। भूमिहीन लोगों के लिए योजना के साथ सैकड़ों योजना सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें आम गरीब जनता खुश है। वहीं पत्रकारों के सवालों पर हरदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान विधायक जिन्होंने JCCJ में प्रवेश कर सरायपाली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेड़ से डांगल अलग होने से कोई महत्व नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव को भूपेश बघेल जी ने बहुत आसान प्रत्याशियों की, नहीं तो नई प्रत्याशियों के आगे बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। और मैं जो कार्यालय में बैठ रहा हूँ और जो हम फील्ड में जा रहे हैं, एक चीज देखने को मिल रही है, पब्लिक उमड़ के हमारी तरफ खुद आ रही है। पब्लिक चाहती है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बने, उनके बच्चे आत्मानंद स्कूल में पढ़े, 10,000 रुपये जो भूमिहीनों को मिलने जा रहा है वो उनको मिले, किसानों को जो वादा हुआ है एक बार किसान फिर चाह रहे हैं वो वादा पूरा होगा, उनका कर्ज माफ होगा। किसान चाह रहे थे 1 तारीख से 20 क्विंटल धान की खरीदी शुरू हो गई है, खुशी की एक लहर है पब्लिक के बीच में। उन्होंने काम देखा है, उस काम पर बोल रही है।